मालकांड का प्रारंभ सप्त श्लोकों में बड़े भाव से गोस्वामी जी ने स्तुति की, वंदना की। बाद में 5 सुर उठा दिए और उसके बाद गुरु वंदना से प्रारंभ किया है। विस्तार से गुरु वंदना, बाद में संतों की वंदना, महीसुरों की वंदना और महाराज जनक परिकरों की वंदना, अयोध्या के सब परिकरों की वंदना, हनुमान जी सहित चारों भाइयों की वंदना की और सबकी वंदना करके गोस्वामी जी आखिर में बोले हैं, संसार में जितने जड़ चेतन जीव है ना, उन सबको भी मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है, सबको प्रणाम किया। कल हम जो शब्द कह रहे थे ना, ऊपर उठना है तो झुकना सीख लो, जो जितना झुकेगा उतना अध्यात्म में ऊंचा उठता चला जाएगा। झुकना बड़ा जरूरी है महाराज। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन, सबको प्रणाम करा। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और उसके बाद में नाम वंदना की है बड़े विस्तार से, बंदो नाम राम रघुबर को। मैं भगवान श्री राम के, जिनके हजारों नाम हैं, देखो राम जी का कोई एक नाम तो है नहीं, हजारों हजार नाम भगवान के हैं, लेकिन उन हजारों नामों में से एक राम नाम की वंदना की है मानसकार ने, और इतने विस्तार से की है। सबसे बड़ी वंदना मानस में, वंदना प्रकरण में नाम की वंदना। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ लिया, महाराज नाम को इतना आप गा रहे हैं, इतना इतना नाम की महिमा गा रहे हैं, तो बताइए नाम को लेने से होगा क्या, किसी ने लिया क्या, लिया तो क्या परिणाम निकला। क्योंकि एक बात याद रखो महाराज, कलयुग में कलयुगी जीव जब तक किसी चीज़ से लाभ ना हो तब तक उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, कितनी ही बढ़िया हो। पहले पूछेगा इसको करने से लाभ क्या होगा, है ना, लाभ पहले। एक बार तो एक संत कह रहे थे कि आज की तो स्थिति यह है कि महाराज बेटा भी पिताजी के चरण छुए उससे पहले पूछता है इसको छूने से कोई लाभ होगा क्या, लाभ पहले देखता है। तो यहां बड़ा प्यारा दर्शन श्री गोस्वामी जी महाराज ने दर्शन कराया, राम नाम के इतने इतने लाभ मानस में दिए हैं। किसने लिया, बोले भगवान शंकर ने लिया। शिव अनादि काल से राम नाम गाते हैं और शंकर जी ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति को बांटना प्रारंभ कर दिया। काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं शंकर जी राम नाम के प्रभाव से, और कहा राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने जहर को भी अमृत बना दिया। जीवन में देखो काम का प्रभाव आएगा तो पतन की ओर जीव जाएगा, राम का प्रभाव आएगा तो उत्थान की ओर व्यक्ति जाएगा। श्री भगवान शंकर जिस नाम को सदा सदा जपते हैं, और मानसकार ने तो बड़ी प्यारी बात कही, राम न सकहिं नाम गुण गाए, इतने प्रभाव। अच्छा एक बड़ी बढ़िया बात आपको, मंदिर जाना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना, बगैर स्नान किए कभी मंदिर गए हो, जाओगे, नहीं जा सकते, क्योंकि नियम है स्नान करके जाना, पूजा का पत्र पुष्प लेकर जाना है, यज्ञ करना है तो नियम है कि ऐसा 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 करोगे तभी यज्ञ सफल होगा। और एक बात, अनुष्ठान में, कर्मकांड में, यज्ञ में वेदज्ञ ब्राह्मण चाहिए महाराज। यदि मंत्र अशुद्ध हो गया तो भी परिणाम गलत आएगा, यजमान की क्रिया कर्मों में कुछ गलत हो गया तो भी परिणाम गड़बड़ हो जाएगा। और यदि जो सामग्री आपने इस्तेमाल की है ना, उस सामग्री में भी थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हो गई तो भी परिणाम 100% मिलेगा नहीं। और महाराज नेगेटिव मार्किंग भी है अनुष्ठान में, कर्मकांड में, वहां
यदि थोड़ी भी चूक हो गई ना मंत्र में, क्रिया में या सामग्री में, तो वहाँ फल तो पूरा मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो गलत हुआ है उसका फल भी जरूर भोगना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखो कितना मुश्किल है। कलिकाल में हो सकता है, कलयुग में संपन्न हो सकता है। हम लोग अपनी संतुष्टि भले ही कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म कांड कलयुग में पूरी तरीके से ठीक ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों? आप ब्राह्मण बढ़िया बुला लोगे, ठीक है, लेकिन यजमान से कहो कि 7 दिन तक नीचे ही सोना है, निराहार रहना है, दिन में 4 बार स्नान करना है, सो वो पंडित जी से कहेगा महाराज दक्षिणा जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, ये सब हमारे से नहीं होगा, है ना। वो कह देगा महाराज आप ही कर लो, हम तो संकल्प किए देते हैं, बस आप ही कर लेना हमारी तरफ। और ये भी अगर बन गया, यजमान भी अगर ठीक बन गया, तो भी ध्यान देना कलयुग में कर्म कांड आसान नहीं है, अनुष्ठान आसान नहीं है। कलयुग में जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हर चीज मिलावटी है ना। और मिलावटी चीज, आप तो घी इस्तेमाल कर रहे हो पर उस घी में क्या क्या मिला ये आपको पता ही नहीं है, तो क्या यज्ञ फल देगा? और तब मानसकार ने बड़ी बढ़िया बात कही, जिनको जल्दी फल चाहिए उनको भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ यदि गलत भी हो जाए तो भी डरने की बात नहीं है, उल्टा भी हो जाए, हम तो राम 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 बोलते हैं, कोई कहे हम राम नहीं बोल पा रहे हैं, राम हमसे बोला नहीं जा रहा, तो मरा मरा का भी परिणाम सीधा ही आएगा महाराज, है ना। आप अच्छा 2 बार 4 बार लगातार बोल के देखो जरा, बोलो मरा 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 मरा, राम हो जाएगा ना, उल्टा बोलोगे तब भी सीधा हो जाएगा, और फल वही मिलेगा जो राम कहने का फल है, वही मरा कहने का भी फल। यही तो आनंद है महाराज, भाव से गाओगे तो भी आनंद मिलेगा, कुभाव से लोगे तो भी आनंद मिलेगा। जो राम नाम का प्रभाव है ना, वो सब प्रकार से बिना स्नान किए ले लो तो भी वही फल मिलेगा। दिन में 10 बार भोजन करके ले लो तो भी कोई समस्या नहीं है, सोते हुए ले लो तो भी कोई, यहाँ तक कि महाराज मानस में तो गोस्वामी जी ने कहा है, कहीं रास्ते पर जा रहे हो, ठोकर लगी और ठोकर लगी तो मुंह से निकला हे राम, इतने भर में जीव का कल्याण हो गया। कहीं जवाई आ रही है और ऊंघते हुए भी तुमने राम राम कह लिया तो उसमें भी जीव का कल्याण हो जाएगा। इससे ज्यादा सरलता और क्या चाहिए महाराज, कलयुग की जीव को तो सरल साधन चाहिए और इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं। आज से ज्यादा कुछ ना करें पर एक संकल्प तो ले ही ले, जितना हो सके मानसिक रूप से वाणी से सीताराम 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 का जाप करते रहिए, इतने भर से कल्याण हो जाएगा। सबसे सरल साधन राम नाम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को, अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।